जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरवे गौरचंद्राय राधिकास्तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री राधा अष्टमी व्रत कथा, श्री पद्म पुराण, ब्रह्मखंड, सातवां अध्याय। सौनक जी बोले, हे अति बुद्धिमान, किस कारण मनुष्य इस भवसागर में पार करना कठिन है? किस कर्म के कारण से मनुष्य इस भवसागर से पार होकर गौलोक जाता है? हे सूत जी, राधा अष्टमी व्रत उसकी महिमा बताइए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था। नारद जी ने कहा था, हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, मुझे राधा अष्टमी के व्रत की विधि बताइए। इसका फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? ब्राह्मण जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उन्हें क्या पाप होता है? व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए? ब्रह्मा ने कहा, नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्तिपूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों के व्रत करने से जो फल मिलता है वो श्री राधा अष्टमी के व्रत करने से 100 गुना अधिक मिलता है। एक बार राधा अष्टमी करने से जो पुण्य मिलता है वो मेरु पर्वत के समान सोना दान करने से भी नहीं मिलता। लोग राधा अष्टमी से वे फल प्राप्त करते हैं जो 1000 राजकुमारियों का व्रत करवाने से मिलता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा अर्थात राधा रानी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे कलयुग, कृत युग में पूर्व काल में एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। जगत में ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया। वैश्या थी। धन की लालसा से उसने नगर बदलने की सोची। जब वो नगर बदल रही थी तो रास्ते में उसने नगर के बाहर देखा, एक सुंदर मंदिर में बहुत से लोग राधा अष्टमी का व्रत कर रहे थे। वे लोग राधा की मूर्ति को चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र नाना प्रकार के फलों से पूजन कर रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ स्तुति पाठ कर रहे थे, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई वीणा कर रहा था। तब उसने जाकर उन लोगों से पूछा, हे धर्मात्माओं, तुम लोग आनंद में भरकर क्या कर रहे हो? हे पुण्यात्माओं, मुझे बताओ। तब उन लोगों ने कहा कि हम श्री राधा रानी का व्रत कर रहे हैं। आज वह अष्टमी तिथि आ गई है जिस दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा का जन्म हुआ था। हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किया जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्यों के पापों को शीघ्र नष्ट कर देता है। जैसे गौ हत्या, चोरी, ब्राह्मण हत्या, परस्त्री हरण, गुरुशैया पत्नी का अपमान आदि पाप सब नष्ट हो जाते हैं। उसका वचन सुनकर वह बार बार सोचकर कहने लगी कि मैं अपने पापों के नष्ट करने के लिए इसका व्रत करूंगी। उसने इस व्रत का पालन करा। कुछ वर्ष बाद उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए और रस्सी से खींचने लगे। वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी और हाहाकार करने लगी। तब उसी वक्त विष्णु दूत शंख चक्र गदा पद्म धारण के वहाँ प्रकट हो गए और यमदूतों को मार भगाया और उसे सोने के विमान पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए। उस गोलोक धाम में जाकर उसको राधा कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसको सभी पापों से मुक्ति मिली। हे प्रिय नारद, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता उसके लिए सैकड़ों करोड़ कल्पों में नरक तैयार है। जो स्त्रियाँ भी शुभ देने वाली हैं और राधा विष्णु को प्रसन्न करने वाली हैं लेकिन इस व्रत को नहीं करती, वे अंत काल में यम के नगर जाती हैं और दीर्घ काल में नगर में पड़ी रहती हैं। और यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म भी मिल जाए तो वे विधवा हो जाती हैं। एक बार ये पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी थी। तब ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर
श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवताओं, आप सभी अवतार लीजिए, हे मेरी प्राण प्रिया राधा, तुम भी अवतार लो और मैं तब अवतार लेकर धरती पर आऊँगा और दुष्टों का संहार करूँगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वृषभानु जी को यज्ञ भूमि पर गए हुए यज्ञ करते हुए वहाँ पर सुंदर सुंदर रूप वाली श्री राधा रानी मिली। इस प्रकार श्री राधा अष्टमी की व्रत का कथा समापन हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।